सो क्या हाल चाल है आप सभी की। आज की वीडियो जो है वो मैं बनाने का इतने ज़्यादा वो था नहीं कि मेरे को बनानी थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में इस प्रकार हो जाती हैं कि आपको जो है कई बार वो चीज़ करनी पड़ती है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जो मित्र हैं, हमारे एक सखा हैं, उनका जो है हमारे पास मैसेज आता है स्क्रीनशॉट लेके, उन्होंने भेजा अपने व्यूअर्स का, क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसके अंदर उन्होंने अपना फोटो खींच या थोड़ा गाना वाना लगा के जो है अपनी स्टोरी लगा रखी थी, किसी को टैग वैग भी उन्होंने नहीं किया था, और उसके अंदर जो है ब्लूटूथ होल्डर वाले का जो है वो सीन वीन आ गया। तो उसके बाद उनका मैसेज वैसे आता है हमारे पास और फिर कहते हैं भाई मेरी स्टोरीज के ऊपर तो ब्लूटूथ होल्डर वालों का सीन वीन भी आ जाता है वगैरह वगैरह, और बस वो फेंकने टाइप में लग गया। ये सारे वाक्य वचन जो हमारे मित्र ने हमसे कहे थे उसको सुनने के बाद मैंने सोचा मे बी ये चीज़ आपको भी नहीं पता होगी, सो आपको भी ये बता देता हूँ, मे बी आपको हो सकता है पता हो, पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई मित्र, अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी सुन लो कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, अगर आपकी स्टोरी है और आपने जो है स्टोरी लगाई है और उसके ऊपर किसी भी ब्लूटूथ होल्डर वाले का सीन आ गया है, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपने टैग वैग नहीं किया है किसी भी सेलिब्रिटी को, ऐसे में अगर किसी ब्लूटूथ होल्डर वाले का सीन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्टोरी है वो उस बंदे ने नहीं देखी। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, उस बंदे ने जो है स्टोरी है वो नहीं देखी है, वो देखी है MVP नाम का एक बोट होता है, उसने जो है आपकी स्टोरी जो है वो व्यू करी है। और ऐसे जो बोट हैं ये मास प्रोडक्शन के अंदर, मतलब बहुत सारे लोगों की जो स्टोरीज हैं वो एक साथ देखी जाती हैं, बहुत सारे लोगों को सीन भी ना आता है उसी ब्लूटूथ होल्डर वाले का, मतलब 99% के केसेस के अंदर यही होता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वो MVP बोट को जो है वो यूज करते हैं, क्वेश्चन मतलब ये होना चाहिए कि यार क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है भाई ऐसे, मतलब यूज क्यों कर रहे हो तुम। तो देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे है कि अगर किसी भी ब्लूटूथ होल्डर वाले का आपके ऊपर सीन आया है तो डेफिनेटली आप उसकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करोगे, क्लिक करके जाओगे उसकी प्रोफाइल के ऊपर। इससे क्या है, उसकी प्रोफाइल के ऊपर एंगेजमेंट जो है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है, वो सोचेगा कि भाई इसकी प्रोफाइल के ऊपर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब लोग इसकी प्रोफाइल को पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सजेशंस के अंदर उसकी प्रोफाइल को बहुत ही ज़्यादा भेजेगा, ऐसे में उसके सब्सक्राइबर जो है बढ़ते जाएंगे, बेस उसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, 10 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो उसकी प्रोफाइल को विजिट करते टाइम ही उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उसकी पोस्ट देखेंगे, उनको लगा हो वाह बंदे ने अच्छी अच्छी पोस्ट कर रखी है, मतलब की पोस्ट लग रही है, सो वो डेफिनेटली आप जो है उसको फॉलो कर सकते हो। सो इन दोनों ही केसेस के अंदर उसके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि पे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इसीलिए जो है वो MVP बोट्स जो है उनको यूज़ करता है। अब यहाँ पे जो दूसरा केस बनता है वो बनता है टैग आपने अगर किसी सेलिब्रिटी को किया है जो कि ब्लूटूथ होल्डर है, उस केस के अंदर सांस है कि आपने जिस भी सेलिब्रिटी को टैग वैग किया है उसी ने आपकी स्टोरी को व्यू किया है, मतलब देख के गया है, वो 50% चांसेस हैं यहाँ पर भी। तो बस मुझे यही बात जो है आपको बतानी थी, मे भी कई लोगों को शायद ये नहीं पता है, तो इसीलिए जो है ये वीडियो बनाई है। सो मित्र, तुम भी देख लो और जान लो और समझ लो, इतना ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है अगर तुम्हारी स्टोरी के ऊपर किसी भी ब्लूटूथ होल्डर वाले का सीन आ गया है, किसी का भी आ सकता है, हमारे ऊपर कई आ चुके हैं। सो बस इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, रेड वाले बटन को बिल्कुल ब्लैक करके चले जाना और बेल आइकन उसे भी दबा देना ताकि मेरी भी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।